नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीटू। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट हेल्थ में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने गंदे पीले दांतों को दूध की तरह सफेद कैसे कर सकते हो एक आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे का उपयोग करके। बिना साइड इफेक्ट वाला घरेलू नुस्खा दोस्तों 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। 100% आपके दांत बिल्कुल पहले दिन से ही बिल्कुल दूध जैसे साफ होना शुरू हो जाएंगे, चाहे कितने भी पुराने समय से उनके ऊपर पीलापन है या फिर कालापन है। साथ में अगर आपके दांतों में पायरिया है, आपके दांत हिलते डुलते हैं, दांतों में कीड़ा लगा हुआ है, दांतों में दर्द रहता है या फिर दांतों और मसूड़ों के बीच में गैप हो गया, खून आता है, ये सारी प्रॉब्लम दोस्तों इस नुस्खे से साथ में ठीक हो जाएंगी। करना ऐसे है जैसे आपको टूथपेस्ट करनी है, लेकिन जो चीजें बनानी है, किस तरीके से बनाना है, कैसे उपयोग करना है, इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए हमने आपको बताया क्या है। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाल रंग में सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दबा लीजिए घंटी के निशान को ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। दोस्तों हम बात करें दांतों का पीलापन कैसे दूर करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कोई स्मोकिंग करता है, कोई ड्रिंकिंग करता है या फिर कोई गुटखा खाता है, बहुत सारे किसी न किसी कारण से दांतों पर पीलापन चढ़ जाता है और उतारे नहीं उतरता। चाहे आप किसी भी कंपनी की टूथपेस्ट इस्तेमाल कर लो, कोई मंजन इस्तेमाल कर लो, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में जो मैं नुस्खा बता रहा हूँ, कितना भी पुराने समय से पीलापन है दांतों पर, कालापन है स्मोकिंग की वजह से, गुटखे की वजह से, पान मसाला की वजह से, बिल्कुल पहले दिन से ही उतरना शुरू हो जाएगा, पहले दिन से ही दांत सफेद होना शुरू हो जाएंगे। आपको दोस्तों करना क्या होगा, पंसारी की दुकान पर जाइए, जो पंसारी की दुकान होती है, पुरानी बनियों की दुकान होती है जो पंसारी की, या फिर किसी जहां से आप रसोई घर का सामान लेके आते हैं वहां से आप पीपली आती है दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रही है, 100 ग्राम पीपली ले आइए या फिर इस पीपली का पाउडर ले आइए। 100 ग्राम आपने पीपली लेके आनी है या फिर पीपली का पाउडर लेके आना है। 100 ग्राम आप लेके आ जाइए और उसको ग्राइंडर की सहायता से, अगर आप साबुत लाए हो तो ग्राइंडर की सहायता से उसका पाउडर बना लीजिए, नहीं तो उसका पाउडर ले आइए, कपड़ छान कर लीजिए, कपड़े से छान लीजिए। उसके अंदर दोस्तों आपने 30 ग्राम जो मीठा सोडा होता है, पंसारी की दुकान पर यह भी मिल जाएगा, 30 ग्राम मीठा सोडा आप ले आइए, उसके अंदर आप मीठा सोडा मिला लीजिए 30 ग्राम। मिलाने के बाद उस पेस्ट, उसको पाउडर को तैयार करें, दोनों को मिक्स करके एक डिब्बी के अंदर बंद करके रख दीजिए। इतनी ही बनाइए दोस्तों, 10-15 दिन आराम से चलेगी, उसके बाद आप नहीं बना लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका दोस्तों उपयोग कैसे करना है, जैसे मंजन करते हैं ना उंगली पर, या फिर एक चम्मच ले लीजिए, आधा चम्मच ले लीजिए, इतना आप उपयोग कर सको। अच्छे से 5 से 10 मिनट तक दांतों पर, मसूड़ों पर अच्छे से रगड़िए, पहले दिन से दोस्तों आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे मंजन करते हैं ऐसे इसका अच्छे से रगड़ रगड़ के उपयोग कीजिए ताकि ये मसूड़ों के अंदर अच्छे से समा जाए। पहले दिन से दोस्तों साथ साथ में ही दांतों का पीलापन उतरना शुरू हो जाएगा। लाजवाब घरेलू नुस्खा है, बिना साइड इफेक्ट वाला, कोई भी कितनी भी उम्र का महिला पुरुष बच्चे बूढ़े जवान इस नुस्खे का उपयोग करके अपने दांतों का पीलापन हमेशा के लिए हटा सकते हैं। साथ में अगर कोई पायरिया की दिक्कत है या मसूड़ों से खून बहता है, मवाद बहती है, दांत हिलते डुलते हैं, दांतों में दर्द रहता है, जितनी भी दांतों की समस्त प्रॉब्लम है इस नुस्खे से ठीक हो जाएंगे, एक बार उपयोग करके जरूर देखिएगा। बिल्कुल फ्री का नुस्खा है दोस्तों, बहुत सारे अच्छे रिव्यू मिले हैं इस नुस्खे के, जिन लोगों को बताया गया है उन लोगों के बहुत अच्छे रिव्यू मिले हैं, इसलिए मैं वीडियो लेकर आ रहा हूं। तो दोस्तों बस खाने में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, गुटखा स्मोकिंग वगैरह इनसे दूरी बना लोगे तो बड़ी अच्छी बात है, एकदम से ना छूटे तो आहिस्ता आहिस्ता से छूट जाते हैं। और इसके लिए मैं एक वीडियो भी लेकर आना हूँ, हर प्रकार का नशा कैसे छोड़े, बहुत जल्द आपको इसी चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। तो वीडियो को दोस्तों सब्सक्राइब, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपको दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। और दोस्तों अगर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो ऊपर फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा ताकि फेसबुक पर, यूट्यूब पर नहीं तो फेसबुक पर आपको वीडियो अपलोड होते रहे और आपको नोटिफिकेशन आता रहे। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, मुझे कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कम से कम दोस्तों एम रखते हैं हम 1000 लाइक का, 1000 लाइक दोस्तों वीडियो पे जरूर आ जाने चाहिए, आपकी आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।